हाय एवरीबॉडी नमस्ते आज मैं आपको हाई एंड लो मैक्सी ड्रेस या कोई भी प्लीटेड uh, स्कर्ट uh, हो ड्रेस हो उसको आप कैसे हाई एंड लो कर सकते हैं वो मैं बताने वाली हूँ तो ये रेडीमेड स्कर्ट है उसको मैं दिखाऊंगी कि कैसे आप हाई एंड लो कर सकते हैं अगर आपको प्लीटेड स्कर्ट बनाना जानना है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि कैसे आप प्लीटेड स्कर्ट बना सकते हैं तो प्लीज़ वो वीडियो चेक कर लीजिएगा ये रेडीमेड स्कर्ट है और ये काफ़ी लेंथ में था तो मुझे इसे शॉर्ट करना था तो मैंने सोचा शॉर्ट सिंपल ही क्यों करूँ मैं हाई एंड लो कर लेती हूँ थोड़ा सा स्टाइल ऐड हो जाएगा तो आप Uh, कोई ड्रेस भी आप पहन के सिंपल बोर हो चुके हैं अगर हाई एंड लो करना है कोई स्कर्ट तो वो कैसे करे वो मैं बताऊंगी सबसे पहले स्कर्ट को लेकर के इस तरीके से उसका सेंटर हमें पॉइंट कर लेना है फ्रंट पल्ले का सेंटर मार्क कर लेना है कि ये सेंटर पॉइंट है इस तरीके से बैक साइड छोड़ के आगे वाला पल्ला इस तरीके से हम ले लेंगे और पूरा एक सीधा सा ऐसे करेंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे आप देखते जाइएगा आपको आराम से आ जाएगा और उसके बाद इसको पूरा हम फैला लेंगे अच्छे से इस तरीके से अच्छे से मैं स्प्रेड करके फिर आपको दिखाती हूँ पूरा आगे वाला पल्ला इस तरीके से करके हम फैला लेंगे तो आप देख सकते हैं ये फ्रंट वाला पल्ला है और इधर बैक साइड आप देख सकते हैं तो इस तरीके से जैसे मैंने बताया था सेंटर करके आगे वाला पल्ला कर लेंगे अब जितने इंच का आपको फ्रंट हाई चाहिए उतने पे मार्क करके हमको कैसे करना वो मैं आपको अब दिखाती हूँ तो ये देखिए मुझे थर्टी इंच का ऊपर आगे वाला पार्ट चाहिए तो मैं थर्टी वन पे कर रही हूँ एक इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ बाद में हम थोड़ा वो ट्रिम करके अगर राउंड शेप देना चाहेंगे तो वो कर लेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखिए जितना आपको रखना और इस तरी, इस तरीके से एक कर्व शेप दे देंगे और इसको हम कट कर लेंगे नीचे का पूरा ही लेंथ लगेंगे रखेंगे आगे का बस हम इस तरीके से कट कर लेंगे जितना हाई एंड लो में आप डिफरेंस रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर है आप कितने इंच का रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से हम कट करके हटा लेंगे एक्स्ट्रा और आपको फिर दिखाते हैं ये कैसे दिखेगा तो देखिए इस तरीके से हो गया आप चाहें तो और अच्छा शेप दे सकते हैं बाद में और चाहें तो इसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं आपके ऊपर अब इसके बाद सिंपली इसको हम इंटरलॉक कर लेंगे पूरा इंटरलॉक के बिना नहीं अच्छा लगेगा तो आपको इंटरलॉक और करना ही पड़ेगा तो इसको अच्छे से फोल्ड करके हम इंटरलॉक कर लेंगे और ये हमारे स्कर्ट या ड्रेस कुछ भी है बन के रेडी हो गई तो आप ये देख सकते हैं इंटरलॉक के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा एक फ्लो आएगा और हाई एंड लो का एक अच्छा सा लुक भी आ जाता है तो प्लीज़ आप इसे स्कर्ट में ड्रेस में ट्राई करिएगा बहुत अच्छा सा ओवल शेप का हाई एंड लो बनता है आई होप आपको अच्छा लगा होगा थैंक यू सो मच